नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त MC Square इस कॉल टू ई अपना YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे घर बैठे बैठे ही अपने जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट की बैलेंस को घर में ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमको कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत क्या क्या होती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज क्या कि हमको पहले हमारा एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। पोस्ट ऑफिस दो टाइप के आप हो गए थे दोस्तों, एक ऑनलाइन और एक नॉन ऑनलाइन, इसको हम सीबीएसई कहते हैं दोस्तों, और एक नॉन सीबीएसई कहा जाता है दोस्तों। आप इसलिए आपको ऑनलाइन यानी सीबीएस ऑफिस में आपकी एक इंडिया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी क्या होनी चाहिए दोस्तों, एक आपकी IPVB अकाउंट जो कि KYC वेरीफाइड होनी चाहिए दोस्तों। और तीसरी दोस्तों, आपकी IPVB जो KYC वेरीफाइड अकाउंट है वो दोस्तों आपकी लिंक होनी चाहिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के साथ। दोस्तों, आपने ये लिंक आपकी नज़दीक जो पोस्ट ऑफिस होते हैं दोस्तों वहाँ आप कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस तीन चीज़ की जरूरत होने के बाद आप घर बैठे बैठे ही आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की यानी POSB अकाउंट की बैलेंस आप घर में ही चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हमें अपने ही मोबाइल से IPVB सॉफ्टवेयर को ओपन करनी है। दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको वो MPIN बनाया दोस्तों। दोस्तों, मैं दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ये इंटरफेस जैसे दिखाई दे रहा है, वैसे आपको MPIN आएगा। वो MPIN डालने के बाद आपको एक होम पेज आएगी दोस्तों, ये IPVB सॉफ्टवेयर की होम पेज होते हैं दोस्तों। आपको होम पेज में दिखाई दे रहा है व्यू स्टेटमेंट, वहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए दो तरह का बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, एक सेविंग्स अकाउंट, दूसरे POSB लिखा हुआ है दोस्तों। वो POSB आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट है दोस्तों। वहाँ पर व्यू बैलेंस पर क्लिक करने के दोस्तों आपकी बैलेंस शो करेगी दोस्तों। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगी होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।